हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का। सो गाइस आज का आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये रिजरेक्टेड वाली जो रिपर है इसको हम लोग ने टेम करा था, और इससे प्राइमल और ओरिजिन वाले बॉसेस को मारने का काम गाइस हम लोग ने करा था। इसको टेम करने का मकसद एक ही है, इसके इन्वेंट्री में जो गाइस बोन्स और ये जो बॉस बन रहा है ना इसको गाइस यहाँ पे क्राफ्ट करना। बड़ी इतने जल्दी नहीं हम कर पाएंगे, इसके लिए मुझे बीकन ओवरलॉर्ड जो बॉस है उसको काफ़ी ज़्यादा बार गाइस यहाँ पे मारना पड़ेगा। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल गाइस और हम लोग को करना है, उसी के बाद जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे इस रिपर को इवॉल्व कर पाएंगे और इसके बॉडी के अंदर से जो बॉडी पार्ट दूसरे बन रहे हैं वो बना पाएंगे। अभी गाइस घर पे जाके मैं क्या करने वाला हूँ बताए आपको, बताओगा मेरे पास स्केलिडेनाइज ट्रायरेनोसोरस रेक्स पड़ा है, और आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग उसी स्केलिडेनाइज टायरेनोसोरस रेक्स को, भले वो नल्ला है पता है मुझे उसका डैमेज उतना ज़्यादा नहीं जा रहा था, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 400-500 मिलियन में डैमेज जाएगा गाइस उसका, बट उतना डैमेज उसका गया नहीं। लेकिन अभी हम लोग उसको इवॉल्व करेंगे और क्या पता इवॉल्व होने के बाद उसका डैमेज जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला जाना शुरू हो जाए, और उससे अगर उसका डैमेज ज़्यादा गया तो उससे हम लोग आज के इस एपिसोड में रिजरेक्टेड गोलेम बॉस को भी मारेंगे, ताकि हम लोग को एक और एरो मिल सके रिजरेक्टेड वाली, जिसे हम लोग एक और रिजरेक्टेड किसी भाई नॉट टेमेबल बॉस को टेम कर पाएंगे। ठीक है चलो भाई, तो अभी यहाँ पे मुझे टायरेनोसोरस रेक्स को बाहर निकाल लेना है, और टायरेनोसोरस रेक्स को इवॉल्व करने के लिए ना मुझे यहाँ पे इवोल्यूशन ये बनाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे भाई सिलेस्टियल और डिमोनिक वाली दोनों सोल चाहिए होगी। ठीक है तो मैं भाई यहाँ पे बना लेता हूँ सिलेस्टियल और डिमोनिक इवोल्यूशन वाली दोनों सोल, अपने पास फ्रिज में ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है तो ये इसका इवोल्यूशन मैंने अपने पास ले लिया है, अभी मैं अपने रेक्स को लेके जा रहा हूँ। ठीक है इस रेक्स ने गाइस पिछले एपिसोड में उतना कुछ खास भाई प्रदर्शन नहीं दिखाया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी इवॉल्व होने के बाद ये यहाँ पे तबाही मचा पाए। ठीक है यार, एक तो इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है ना भाई, इसकी स्पीड देख के तो दिमाग अलग घूम जाता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है गाइस, सच में भाई इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लेकिन भाई का लुक तो है ज़बरदस्त है, कुछ भी बोलो लुक तो ज़बरदस्त है इसका, और इसका डैमेज जो है गाइस वो ज़बरदस्त नहीं जा रहा है, लेकिन अभी इवोल्यूशन के बाद में भी इसका डैमेज जो है गाइस वो भी यहाँ पे ज़्यादा जाना शुरू हो जाए। चलो एक काम कर लेता हूँ मैं भाई, ठीक है क्या काम करेंगे बताएं, पहले तो इसका सैडल निकालेंगे, उसके बाद इवोल्यूशन सोल इसके इन्वेंट्री में डालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्फर्नल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले। ठीक है इससे हमारा जो ये रेक्स है वो इन्फर्नल टायरेनोसोरस स्केलेटनाइज रेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियो गाइज लाइक कर दो, अगर नहीं करा होगा तो मैं अभी इसको इवॉल्व करने वाला हूँ। इन 1 2 3 लेट्स गो गाइज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन रेक्स, आ जा भाई, क्या इवोल्यूशन, अरे क्या हो गया, ओह यस ये रहा हमारा स्केलेटनाइज इन्फर्नल रेक्स गाइज। इसके अंदर मैं सैडल वगैरह भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ये गया इसके इन्वेंट्री में सैडल, ये बैठ गया तुम्हारा भाई इस रेक्स के ऊपर। गाइज पिछला वाला जो रेक्स था उसके यहाँ पे जो बोन्स थी ना वो वाइट कलर की थी और उतनी ज़्यादा कूल नहीं लग रही थी, बट अगर अभी आप इस वाले रेक्स को देखोगे तो इसकी बोन जो है गाइज वो कर रही है एकदम फुल टू शाइन, और ये ना देखो किस तरीके से देखो अपना कलर चेंज कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है गाइज यहाँ पे इसकी बोन्स, और इसका लुक भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है यहाँ पे। ठीक है चलो थोड़ा सा पानी पी लिया गाइस, गला सूख गया था मेरा, तो अभी ना मैं आपको इसके सारे अटैक दिखाने वाला हूँ, जो भी अटैक पहले इसके पास थे वह सेम अटैक इसके पास रहने वाले हैं, एक वाइड अटैक फायर अटैक। ठीक है सी पे बम चिकी चिकी बम बम फेंकने वाला अटैक, सिमिलर सब अटैक सेम है। ठीक है और इसका मेन जो अटैक है वो है पैर पटकने वाला अटैक। ठीक है पैर पटकने वाला अटैक, जो कि पैर पटक के इस तरीके से अपने आजू बाजू के
टायनोस के ऊपर लाइटनिंग गिरा देता है, आजू बाजू कोई भी डायनो नहीं है इसलिए लाइटनिंग नहीं गिरी, ठीक है। सो ये गाइज हमारा खतरनाक सा रिक्स, मैं इसके अंदर ट्रैकर वगैरह भी डाल देता हूँ। एंड पहले तो इसकी 1 बिलियन हेल्थ कर दो। बारिश को भी अभी आना था क्या यार? मैंने इसकी 1 बिलियन हेल्थ कर दी है, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ हीलिंग पोशन। 73 और भाई पॉइंट बचे हुए, 73 पॉइंट मैं इसके डैमेज में डालने वाला हूँ, ठीक है। सो देखते हैं किसका डैमेज कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं गाइज यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ। इसका पहले डैमेज था लगभग 200 मिलियन, इस बार 500 मिलियन पार जाना चाहिए। अगर हमारे इस रेक्स का 500 मिलियन पार डैमेज गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। बाकी 500 मिलियन पार डैमेज जा पाएगा कि नहीं ये तो अभी बारिश जाने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि बारिश में जो है ना गाइस मैं यहाँ पे इसका डैमेज वगैरह टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ना ही बॉस फाइट लेने वाला हूँ। सो गाइस बारिश जाने का इंतजार करते हैं हम लोग। और गाइस बारिश जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हम लोग का ना एक और नया चैनल है आर्क पीसी, वहाँ पे सिर्फ जो है ना गाइस आर्क पीसी की वीडियोज़ आती है, मॉडेड वीडियोज़। उस चैनल को आप लोग ने चेकआउट नहीं करा तो चेकआउट कर लेना, उस नए चैनल का नाम है आर्क गेमिंग। यूट्यूब पे सर्च करोगे 6000 सब्सक्राइबर है, पहले ही चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग मेरी डेली वीडियोस देख सकते हो आर्क की, आर्क पीसी की सिर्फ, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक भी है, जहाँ पे आप लोग मेरी और एनी की डेली अलग अलग गेम्स की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो जरूर से चेकआउट कर लेना दोनों चैनल्स को। और कम्युनिटी टैब में जो है ना गाइस हम लोग वीडियो शेयर करते रहते हैं एनी के चैनल की और हमारा जो नया चैनल है उसकी भी, तो कम्युनिटी टैब में से भी आप लोग गाइस उन दोनों चैनल को चेकआउट कर सकते हो। सो चलो अभी ये बारिश जाने का इंतजार करते हैं, जैसे ही बारिश जाएगी वैसे ही स्केलेडनाइज टायरेनोसोरस रेक्स से हम लोग फुल तबाही मचाएंगे, ठीक है। रुको गाइस रुको, जरा सबर करो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बारिश जा चुकी है और अभी हमारे स्केलेडनाइज टायरेनोसोरस रेक्स से तबाही मचाने का टाइम भी आ चुका है, ठीक है। इसका लुक गाइस देखना यहाँ पे, ठीक है। पहले ठीक से दिखा नहीं होगा, अभी देखो। ओ इसको पावर अप कर लेता हूँ, यस पावर अप के बाद ना इसके पीठ के अंदर से और भाई पैर पे आग लग जाती है और पीठ के अंदर से देखना किस तरीके से आग ऐसे बाहर निकलना चालू हो जाती है। इसका पावर अप वाला लुक जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा डेंजरस है यार यहाँ पे। चलो भाई लुक से भाई हम लोग क्या चार डालेंगे इसके लुक का, हमको बस देखना है कि इसका डैमेज कितना जा रहा है। अगर इसका डैमेज ज्यादा जा रहा है तभी ये रेक्स हमारे काम का है, वरना ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग चलते फटाफट से थोड़ा बेस से दूर। एंड मैं भाई पहले इसकी मैक्स लेवल तो आ चुकी है, सो जितने भी पॉइंट है वो सारे 73 पॉइंट में इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ, ताकि इसका डैमेज एटलीस्ट कम से कम 500 मिलियन जाए, कम से कम 500 मिलियन, ठीक है गाइस। देखते चलो, पावर अप भी कर दिया है मैंने, मैक्स लेवल भी कर दिया है। कितना जा रहा है? ओ भाई 350 भाई, 350 मिलियन गाइस। भाई मजाक हो रहा है क्या भाई? बाइट अटैक इस रेक्स का 350 मिले जा रहा है आर्क प्राइमल फियर में, किसी भी डाइनो का आर्क प्राइमल फियर में। ध्यान से सुनना, इटर्नल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बीकन ओवरलॉर्ड ग्रिफिन छोड़ के, ठीक है, वो इटर्नल वाला डाइनो है। प्राइमल फियर में किसी भी डाइनो का जो भी मेरे पास अभी तक है किसी का भी इतना डैमेज नहीं जा रहा जितना इसका जा रहा है 350। रुको क्रायो कर लूँ मैं, मुझे तो कुछ तो ग्लिच वगैरह लग रहा है भाई, मैं क्रायो कर लेता हूँ। रुको भाई 350 मिलियन पावर अप, पावर अप बाइट अटैक भाई 350 मिलियन है। लो ओ भाई भाई बाइट अटैक 350 मिलियन का जा रहा है यार, मजाक हो रहा है क्या? ठीक है भाई, ठीक है। रुको रुको, एक और बात लाइटनिंग अटैक 500 मिलियन क्रॉस गाइस, 500 मिलियन लिख के ले लो क्रॉस माइनस। व्हाट द गाइस, आपने देखा गाइस, रुको माइनस में डैमेज, मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, ये माइनस में डैमेज डील कर रहा है, माइनस में लिटरली। देखना गाइस देखना, ध्यान से देखो, ये देखो माइनस में डैमेज डील कर रहा है भाई, ये देखो गाइस माइनस में। भाई साहब अभी तक मेरे पास काफी सारे डायनो आए हैं, काफी सारे डायनोस, मैंने इटर्नल वाला, मैंने इवन बीकन ओवरलॉर्ड जो ग्रिफिन है वो भी डैम करा, उसका भी माइनस में डैमेज नहीं गया गाइस, बट हमारे स्केलेटनाइज वाले रेक्स का माइनस में डैमेज जा रहा है, पहला सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक डायनो आर्क प्राइमल फियर का विदाउट इम्प्रिंट करे। इसको तो इम्प्रिंट भी नहीं करा, इस बार इम्प्रिंटिंग पोशन भी नहीं है, फिर भी माइनस में डैमेज डील कर रहा है भाई।
मजाक थोड़ी है गाइस, इसका जलवा देखना चाहोगे? रुको गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं लाइटनिंग डालूंगा, मैं सिर्फ लाइटनिंग डालूंगा, एक फटके में सब मरे, सब के सब ओरिजिन, सब के सब, बस एक लाइटनिंग अटैक में 1 सेकेंड के अंदर खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, 1 सेकेंड के अंदर गाइस गेम ओवर। वन सेकेंड डेमो देखना चाहोगे? रुको वापस से दिखाता हूँ भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई कि हम लोगों ने माइनस में डैमेज देने वाला भाई डायनो टेम करा। ये वही नल्ला रेक्स है गाइज जो स्टार्टिंग में विदाउट ले पावर अप लेजर विदाउट इवॉल्व करे हुए एकदम घटिया डैमेज दे रहा था, ठीक है तब भी 200 मिलियन का डैमेज था, लेकिन अभी सीधा माइनस भाई, सीधा माइनस यार मुझे। गाइज इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक कर दो फटाफट और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वंस अगेन मैं आपको इसकी पावर दिखा रहा हूँ, सारे ओरिजिन को मैं स्पॉन कर रहा हूँ, 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड ओनली, 1 सेकेंड हाँ ओनली 1 सेकेंड, खत्म, सारे के सारे ए टू जेड जितने भी ओरिजिन स्पॉन हुए थे 1 सेकेंड में एक अटैक में सारे के सारे खत्म। ये है गाइस इस रेक्स की पावर, आय हाय दिल खुश कर दिता भाई। रेक्स ओपी बोल दे बॉयज, रेक्स ओपी बोल दे, अभी किससे पंगा लूं मैं, मेरे को तो लग रहा है कि गाइस हम लोग भगवान बन चुके हैं क्या, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है क्या गाइस, हैं कौन मेरे से पंगा ले पाएगा। अरे रुक जाओ, इसके पास दूसरे भी अटैक है, उनका भी डैमेज देख लो गाइस, मैं इसके पास फायर अटैक है, बॉल फेंकने वाला अटैक है, उनका भी डैमेज देख लो गाइस कितना जा रहा है। रुको ये माइनस वाले अटैक के चक्कर में मैं इसके दूसरे अटैक जो है गाइस उनके बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया भाई। चलो आ जाओ, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ भाई, मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई, लोग इसको डेम करके ना दिल खुश हो गया एकदम भाई, गार्डन हो गया भाई दिल। चलो लेट्स गो, फायर अटैक कितना डैमेज डील कर रहा है वो अभी मैं देखने वाला हूँ, ठीक है यार। ये ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं एक ओरिजिन को बुला रहा हूँ तब पता चलेगा फायर अटैक कितना डैमेज डील कर पा रहा है, ठीक है। ओरिजिन इसके अंदर आएगा ना भाई, बहुत गंदा डैमेज डील हो रहा है, बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा है, 4 मिलियन तो बॉक्स के ऊपर पड़ रहा है, तो सोचो गाइस कि कितना डैमेज, 40 या 50 मिलियन का इसका डैमेज होगा। और शिवाला जो अटैक है उसका, शिवाला अटैक में अपने अंदर से गोले फेंकता है गाइस इस तरीके से खतरनाक से गोले, तो आप बूम बूम भाई 100 मिलियन प्लस डैमेज भाई। और गाइस एक्स वाले अटैक के तो क्या ही कहने, सीधा माइनस में डैमेज, जिनको पता नहीं, देखो 1.6 बिलियन डैमेज दिया इसने स्टेगो के ऊपर, मतलब लगभग 3 या 3.5 बिलियन का डैमेज हमारे इस वाले रेक्स का जा रहा है। स्टेगो को कभी भी डैमेज हम लोग डील करते हैं तो वो आधा पड़ता है, ठीक है। ये देखो स्टेगो यहाँ पे मरा पड़ा है, सो इसके ऊपर अगर 1.6 बिलियन मेरा डैमेज गया, मतलब मेरा 3.2 बिलियन या 3.4 या 3 बिलियन का कुछ डैमेज है, 3 बिलियन प्लस डैमेज मेरे इस वाले रेक्स का गाइस यहाँ पे जा रहा है गाइस। और माइनस में डैमेज क्या है जिनको बताने में बता दूं, माइनस में डैमेज मतलब गेम सिर्फ 2 बिलियन तक डैमेज काउंट करता है, 2.3 बिलियन के आगे कुछ भी डैमेज दो आप, 10 दो 100 दो या 40 50 बिलियन भी डैमेज दो, वो डैमेज ग्लिच के रीजन से माइनस में दिखाई देता है एकदम छोटे छोटे नंबर में, ये देखो। और उन छोटे नंबर के आगे एक माइनस का सिंबल लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो ये है गाइस इस रेक्स की पावर यार, मजेदार तो है भाई, मजेदार तो मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया मेरे को भाई, समझ नहीं आ रहा कि किससे जाके पंगे ले लो अभी मैं भाई, एकदम भगवान की तरफ फील हो रहा है भाई, अभी मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता गाइस, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है ना वो ओवर पावर्ड बन चुका है। इस रेक्स की मदद से मैं किसी की भी बैंड इजीली बजा सकता हूँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। रिजरेक्टेड गोलेम को मारे, एक काम करता हूँ गाइस, अगले एपिसोड में माइनस में डैमेज देने वाले अपने इस रेक्स की मदद से हम लोग रिजरेक्टेड गोलेम को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 बार मारेंगे। आप बोलोगे 10 बार क्यों गाइस, उस रिजरेक्टेड गोलेम बॉस को मार के मुझे उसके एरो भी तो चाहिए, जो एक गोलेम बॉस को मारने से एक ही बार मिलती है, और उस एरो को हम लोग एक का डबल नहीं कर सकते, तो मुझे बॉस फाइट तो लेनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे। सो इसलिए 10 रिजरेक्टेड गोलेम बॉस को हम लोग हमारे स्केलेटनाइज्ड टायरनोसॉरस रेक्स से मारेंगे, जिसका माइनस में डैमेज आ रहा है।
हैं क्या भाई, मजाक हो रही है। और गाइस एक एक बस प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है हमारा स्केलेटन है, ये जो टायरेंटोसॉरस रेक्स देख रहे हो, इसका जो सैडल है वो मुझे असेंडेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई स्टोन वगैरह लगता है ना और कोई चीज़ लगती है। सो इसको प्रोटेक्शन सैडल के अलावा और कोई चीज़ नहीं दे सकती है। सो इसलिए मुझे इसके सैडल को जितना हो सके उतना ज़्यादा अपग्रेड गाइस यहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलो जितना हो सके उतना अपग्रेड कर देना है। फाइबर, अरे चोरी बाजी हो गया, रुको गाइस अभी फाइबर लेके आता हूँ। भाई रेक्स तो ओपी है यार, भाई मेरे जिगर का टुकड़ा रे। इसको गाइस 1 से लेकर 10 तक पॉइंट देना, 1 मतलब एकदम घटिया, 10 मतलब एकदम ओपी। मैं तो भाई इसको 100 पॉइंट दे दो भाई, 100 पॉइंट दे दो, 90 पॉइंट एक्स्ट्रा भाई। इतना खतरनाक डैमेज दे रहा है ना यार, मज़ा आ गया भाई सच में यार, मज़ा आ गया। रुको फाइबर इकट्ठा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आराम से, मुझे 15-20 हज़ार फाइबर चाहिए होगा कम से कम, क्योंकि मुझे इसकी सैडल को थोड़ा अपग्रेड भी करना है, ताकि जब बॉस फाइट करने जाए हम लोग उससे रिजरेक्टेड गोलेम से, सो थोड़ा सा जो है ना गाइस यहाँ पे ईजी पड़े हमको, हमारे भाई यहाँ पे रेक्स की बैंड ना बजा दे वो रिजरेक्टेड गोलेम, ठीक है। कितना फाइबर हो चुका है यहाँ से, 10 हज़ार और फाइबर उठा लेता हूँ, रुको 10,000 मोर फाइबर। यार बफर ओवरफ्लो ना हो जाए, रुकना गाइस बफर ओवरफ्लो ना हो जाए भाई, ये कभी कभी हो जाता है गाइस भाई, कनेक्शन टाइम आउट करके मुझे बाहर ना निकाल दे बफर ओवरफ्लो के रीज़न से। वो नहीं है ना बफर ओवरफ्लो तो नहीं है। 10,000, 16,000, 20,000 फाइबर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है रुको 20,000 फाइबर, ज़्यादा नहीं, ओनली 20,000, 5,000, 6,000 बस हो गया। मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई भाई, लिटरली मैंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया, मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई। रुको फाइबर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ, क्योंकि ये मेरे किसी काम की है नहीं चीज़ें। सो फाइबर को छोड़ के जितने भी बेरी मशरूम वगैरह जो भी मिला है मुझे, वो सब हम लोग अभी फेंक देंगे। बस ये 20,000 जो गाइस फाइबर है अपने पास, वही संभाल के घर पे लेके जाएंगे और इससे हमारे रेक्स का सैडल असेंडेड वाला बनाएंगे, ठीक है। लेट्स गो बॉयज। भाई रेक्स तू ओपी है रे, तू ओपी है भाई, क्या बोलूँ यार, मज़ा आ गया भाई इस रेक्स को टेम करके, इवॉल्व करके, मज़े ही मज़े आ गए। चलो अब इसका जो सैडल है उस सैडल को अपग्रेड करने का टाइम तो वैसे आ चुका है, सो फटाफट से रुक जाओ मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें डाल देता हूँ, ओके ठीक है। एंड अब इसके सैडल को हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, नाइस एक और अपग्रेड, काफ़ी बढ़िया। और मेटल इनगेट, अब चोरी बच्ची हो क्या यार, मेटल इनगेट की कमी कभी हम लोग को पड़ सकती है क्या, है गाइस 30,000, बाप रे कुछ ज़्यादा ही मेटल इनगेट है। लावा रॉक्स भी मिल गए मुझे तो, ठीक है फुल असेंडेड फाइबर। अब भाई ना ना नू 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 भाई रुको गाइस एक मिनट रुक जाओ, मुझे यहाँ से सिकल बनाने दो, रुक जाओ ये वाली सिकल ना फालतू का सामान ज़्यादा इकट्ठा करती है फाइबर छोड़ के, मैं इस वाले सिकल को असेंडेड करता हूँ और जाके लेके जाके इस सिकल से मैं खाली फाइबर लेके आता हूँ। ये सिकल खाली फाइबर देती है, जो स्पिरिट वाली सिकल हम लोग यूज़ करते थे ना, कर रहे थे ना, वो भी फालतू की चीज़ें भी दे देती है आजू बाजू की, फाइबर कम दे देती है। रुको मुझे फटाफट से इसको असेंडेड बनाने दो, ठीक है इस सिकल को लेके जाएंगे, इसकी मदद से मैं भर भर के फाइबर लेके आ जाता हूँ। रुको फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को भाई, अगले एपिसोड में क्या मजा आएगा ना गाइस, 10 बॉसेस को मारेंगे, 10 से है भाई, 10 बॉसेस को ये लो, ये देख रहे हो भाई 10,000 ऐसे ही इकट्ठा हो गया फाइबर, ये देखो हो गया 10,000 फाइबर इकट्ठा, ये हो गया 11, 13, ये लो भाई 15, 20,000, रुको मैं भाई 40,000 फाइबर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास हाइड इनफ पड़ा हुआ होगा ना तो मैं उसका ब्लूप्रिंट बना के ब्लूप्रिंट में से सैडल निकाल दूंगा, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल जो है ना गाइस वो यहाँ पे होता है, ठीक है 30,000, 10,000 और फाइबर चाहिए। जितने में मैंने उस सिकल से भाई 10,000 फाइबर इकट्ठा करा था उतने में तो मैंने यहाँ पे 40,000, उतने टाइम में मैंने यहाँ पे भाई 50,000 फाइबर इकट्ठा कर लिया, ये देखो भाई 51,000 हो गया, बस भाई इतना फाइबर इनफ होगा। चल देगा इस फटाफट से अभी यहाँ पे अपने घर पे और इस फाइबर की मदद से हमारे रिक्स का जो सैडल है उसको कर लेते भाई एकदम फुल अपग्रेड। मेरे पास शायद से ना
यहाँ पे एक चीज कम पड़ेगी, वो है हाइड। हाइड ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन भाई बोल नहीं सकते ना। चलो अपग्रेड कितना ख़त्म हो गया। मैं ब्लूप्रिंट बनाऊँ इसका, अटेम अपग्रेड ब्लूप्रिंट बनाऊँ? नहीं यार, हाइट ज़्यादा नहीं है। कितना आर्मर है? 899 भाई, इन अवे यार 899 का तो आर्मर मिल रहा है गाइस मुझे, काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया आर्मर मिल रहा है। चलो ये आर्मर मैंने इसके अंदर डाल दिया गाइस अपने रेक्स के अंदर, जो कि यहाँ पे माइनस में डैमेज दे रहा है। सो गाइस अभी इस रेक्स को ना हम लोग ऐसे ही यहाँ पे रख देते हैं, और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे इसी रेक्स को इवॉल्व करने के साथ खत्म कर देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग को अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनो मिला है, तो उसके लिए एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। और जो हमारे नए चैनल से गेमिंग विद एनी और आर गेमिंग, उन दोनों नए चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज, लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी आप लोग को, सो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो चलो आज का ये वाला एपिसोड हम लोग कर देते यहीं पे खत्म, मिलते सीधा आपसे बॉस फाइट वाले अगले एपिसोड में आर्क प्राइमल फेयर प्लस आर्क इटर्नल के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइज। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.